आपके पास ओप्पो A3X है या फिर आपके पास ओप्पो A3 Pro है, तो उसके अंदर हॉटस्पॉट का QR कोड कैसे शेयर कर सकते हैं या फिर QR कोड की मदद से डाटा कैसे शेयर कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको जाना होता है सेटिंग पे। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कनेक्शन एंड शेयरिंग का ऑप्शन, इस पर आपको टैप कर लेना होता है। करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा पर्सनल हॉटस्पॉट, इस पर आप जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये वाला ऑप्शन, इस पर आप टैप करोगे। करने से पहले आपका स्क्रीन लॉक पासवर्ड मांगेगा, तो आपका जो भी स्क्रीन लॉक पासवर्ड होगा उसको आपको डाल देना होता है। डालने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा QR कोड, अब अपने दूसरे फ़ोन को लेना है, कहीं पर भी वाईफाई दिखेगा इस पर आपको टैप कर लेना है और स्कैन का ऑप्शन आ जाता है। कोई भी डिवाइस होता है, अलग अलग डिवाइस का अलग अलग QR कोड का ऑप्शन होता है, तो आपको ऐसे ही स्कैन कर लेना होता है। जैसे स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आप देख लेंगे चेकिंग योर ट्राई अगेन, तो आपको करना क्या है, एक बार ऐसे करके तो यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्टली यहाँ से आपका कनेक्टेड हो जाएगा QR कोड्स की मदद से। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।